देखते हैं क्या हुआ। क्या हुआ? हुआ लगता है गाड़ी खराब हुई। साहब इसका बाष्पम काम नहीं कर रहा है, मैं आपको वहां चद्दर डाल के देता हूँ, वहां बैठो, मैं मैकेनिक को ले आना पड़ेगा। ठीक है आओ। अच्छी और शांत जगह है ना, और वो देखो वो जमीन कितनी बड़ी है लेकिन यूं ही बेकार पड़ी है बिना किसी फसल की। लगता है किसी अमीर इंसान की है जिसे भगवान ने इतना दिया है कि वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मोना कभी कभी जानकारी ना होने की वजह से लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाते वो। जीजा जी आप क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ खास नहीं, बस एक बार ये गाड़ी ठीक हो जाए होटल पे जाके आराम करना चाहता हूँ। औरत कौन है? यहाँ आ रही है। अगर वो यहाँ आ रही है तो प्लीज उसे पूछो कि अलका होटल यहाँ से कितनी दूरी पर है, पूछना उसे। हा? जी सुनिए जी, यहाँ से होटल अलका कितनी दूरी पर है? दूर है, गाड़ी से जाना पड़ेगा। जी गाड़ी तो है हमारे पास, बिगड़ गई है, मैकेनिक ठीक कर रहा है, शायद एक आधे घंटे में ठीक भी हो जाएगी। तब तो अच्छी बात है क्योंकि होटल अलका यहाँ से 3-4 कोस दूर है। आप यही रहती है? हाँ वो सामने झोपड़ा दिख रहा है ना वहीं पर। तो जमीन आपकी है? हाँ है तो, मगर कुछ ज्यादा काम की नहीं है। काम की नहीं है? असली में बात यह है कि जमीन पर फसल अच्छी नहीं होती ना, बस पेट भरने को मिल जाता है। नहीं नहीं ये बात नहीं है, यहाँ का मौसम दूसरा है और यहाँ अलग मौसम होने की वजह से कोई खास किस्म की फसल पैदा हो सकती है। वो तो हमें पता नहीं, यहाँ के लोग जो कुछ काम करते हैं हम भी वही कर लेते हैं। अच्छा तो ये गाड़ी है तुम्हारी? जी हाँ। कुछ खराबी है इसमें? देखता हूँ। लो भैया गाड़ी बन गई तुम्हारी, अब लाओ पैसे दो। साहब आपके पीछे बैठे हैं, इनसे पैसे ले लो। नाम क्या है? जी तारा भाई, और ये मेरे बच्चे हैं गोपाल और मीनू। आओ बच्चों। और तारा भाई ये है मेरे पति और ये मेरी छोटी बहन मोना। आज तो हम यहाँ से जाएंगे लेकिन मैं कल फिर आऊंगी इस जमीन के बारे में बताने को। हुँ? आपकी गाड़ी ठीक हो गई है? गाड़ी ठीक हो गई? इतनी जल्दी, अच्छी बात। झटाझट 500 रुपया दे दो, कर जाए के मक्की रोटी खाऊं। 500 रुपए? ऐसी भी क्या खराबी थी गाड़ी में? वो वाश पंप खराब हो गया तो उसके 500 रुपया लगते हैं क्या? 5 रुपया लाके कहाँ है? एक काम करो ये 200 रुपया रख लो, ये लो। जेब में पैसा कौन है?
और गाड़ी चलावा निकले बस। कमाल है, चलो चलते हैं। बेटे जरा इसे उठा लेना, अब होटल पे जाके आराम करेंगे, ये लो। अच्छा तारा भाई हम चलते हैं, लेकिन मैं कल फिर आऊंगी, हाँ तुम्हें जमीन के बारे में बताऊंगी। अच्छा क्या बात हुई, हम लोग छुट्टियां मनाने आए थे, एक ही दिन में वापस जाएंगे। I'm sorry, मगर क्या करूं, इतना बड़ा बिजनेस जो लेकर बैठा हूं, अब अर्जेंट मीटिंग है तो वापस तो जाना ही पड़ेगा मुझे। अरे भाई तुम तो मेरी पत्नी हो, अच्छी तरह जानती हो, इतने सालों से हमारे साथ यही होता आया है, नाराज होने की जरूरत नहीं। चलो मैं प्रॉमिस करता हूं अगले 10 दिन में हम फिर से इसी जगह छुट्टियां मनाने आएंगे, ओके? मैंने तारा भाई से नई फसल के बारे में बात की है और मैंने तय किया है कि उसे सारे डिटेल्स बताऊं। हाँ मगर अब वो कैसे करोगी? क्यों, इसमें मुश्किल क्या है? मैंने बॉटनी में मास्टर्स किया है, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में मैं जानती हूँ और इस जमीन पे क्या पैदा हो सकता है ये भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। वैसे भी जीजा जी वो लोग बहुत गरीब है, हो सकता है ऐसा करके हम उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। अच्छा यानी तुम हमारे साथ वापस नहीं चल रही हो? हमारे साथ नहीं जीजा जी, सिर्फ मेरे साथ। What do you mean? यानी मोना तुम भी? हाँ जीजा जी, मैं भी दीदी के साथ रुकना चाहती हूँ। समझ गया, यानी मैं यहां से सिर्फ अकेले वापस जा रहा हूं। ऑलराइट, एज यू विश, ओके। अच्छा मेरा एक काम करोगी? क्या काम? मुझे मुंबई से कुछ पार्सल मंगवाने हैं। ठीक है भिजवा दूंगा, मगर क्या क्या मंगवाना है? नहीं वो लिस्ट मैं जाते समय दे दूंगी। ऑलराइट, दे देना भाई जो भी मंगवाना है, बड़ी लिस्ट बनाकर दे देना, ओके? मैं भिजवा दूंगा, तुम लोग यहाँ बैठ के छुट्टियां मनाओ और मैं जाऊंगा अपने काम के लिए वापस, ओके? ठीक है। मेरा नाम कुसुम मसूलानी है, तो ऐसे अपना लोग मेरी स्ट्रॉबेरी रोड के ऊपर है ना, तो स्ट्रॉबेरी का गार्डन ऐसा मैंने नाम लिखा, AYI मुलानी स्ट्रॉबेरी गार्डन ऐसा बोर्ड लिखा, तो लोग ऐसे रुकने को लगे, तो फिर स्ट्रॉबेरी खरीद करके लेके जाने को लगे, तो फिर ऐसे करते करते एक बाय आई, वो अपना मेरे साथ में 4-8 दिन थी इधर रहने की वो लोग बंगले पे, तो वो दूध खरीद करके लेके जाने की, तो उसने एक बार मेरे को क्या बोली, मैं तुम्हारे को एक संचा ला के दूंगी, तुम आइसक्रीम बनाना, तो उसने लाके दिया, वो सब कुछ बताया, फिर मैंने वो आइसक्रीम चालू किया, फिर आस्ते आस्ते मेरे बच्चे छोटे छोटे थे वो बड़े हो गए, एक बच्चे की मैट्रिक हो गई और एक बच्चा इंजीनियर हो गया स्कूल पढ़ा के, उतने में वो काम करके मैं बच्चे लोग को दोनों बच्चों को स्कूल पढ़ाई, 3 बेटियां को मैट्रिक करी, मैट्रिक तक स्कूल पढ़े वो बच्चे लोग, उसके उसके शादा करके दी, फिर ये 2 बाबा लोग अपना बड़े हो गए, फिर बच्चे लोग को भी मैंने बता दिया कि भाई देखो ये सब कुछ करेंगे तो अच्छा है, किसी का काम ढूंढने से करने से तो कुछ नहीं है, अपना खुद का है करो, फिर बच्चे लोग हंसी हंसी मशीन ला के बच्चे लोग की शुरू की, फिर बागीचा का नाम, मेरा नाम तो वो जो स्ट्रॉबेरी गार्डन था वो तो निकाल दिए और बागीचे का नाम लगा दिए, फिर पब्लिक सब बच्चे लोग को पहचानने को लगी मेरे इससे, फिर अभी पब्लिक बढ़ के जो भी मैंने कुछ बनाए लाए बच्चे लोग ने, गुलाब का गार्डन बनाए लाए, रोज गार्डन बनाया, फिर बड़ा स्ट्रॉबेरी का गार्डन बनाया, फिर बड़ा फार्म बनाया, फिर बड़ी दुकान बनाया, बच्चे लोग ने सब कुछ बनाया, मैं तो कुछ नहीं, मैंने तो 4 कुर्सी रखी है, जो ये आइसक्रीम जो भाई ने मेरे को बताया था ना वही मैं बनाने की।
अरे नमस्ते, मैंने कहा था ना मैं मिलने आऊंगी, लो आ गई। बहुत अच्छा। मुना मुझे बातें करनी है ऐसी बच्चों के लिए, बात चलो दीदी। तारा भाई मैं जानती हूँ तुम्हें इतनी आसानी से ये सब यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ का मौसम, जलवायु और इस खेत की जमीन देखकर मैं तुमसे कह रही हूँ सब। लेकिन आपको ये सब कैसे मालूम? मैंने पेड़ पौधों के विषय में बहुत पढ़ाई कर ली इसलिए मुझे पता है। यहाँ का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और यहाँ इस तरह से खेती हो सकती है जिसमें पानी के ठहराव की जरूरत नहीं होती, जैसे गाजर है, मूली है, बैंगन है, स्ट्रॉबेरी है। बेरी वो कांटे वाला, वो यहाँ कैसे लगेगा जी? नहीं नहीं आप समझे नहीं, स्ट्रॉबेरी के बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, पहले उसमें सफेद कलर के फूल आते हैं, फिर हरे रंग के फल आते हैं और जब वो फल पक जाते हैं तो वो लाल रंग के होते हैं और उसे हम स्ट्रॉबेरी कहते हैं। उससे हम जैम, जेली, पल्प, आइसक्रीम सब कुछ बना सकते हैं और ये सब बना के आप बाजार में बेच लीजिए और आपकी आमदनी शुरू। लेकिन इस बंजर जमीन पे ये सब पौधे लगेंगे? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बारे में हमको कौन बताएगा? हम बताते हैं। बहुत अच्छा है। तुम लोग वैसे कहीं स्कूल नहीं जाता? पहले जाते थे, अब नहीं। तुम लोग का पढ़ने का मन नहीं करता? दीदी मेरा दिन तो जाता नहीं स्कूल। हमारे पास भी दूसरे बच्चों की तरह किताबें और पेंसिल है। यहाँ के आसपास कोई स्कूल नहीं है? हाँ यहाँ है एक अच्छा सा बड़ा सा स्कूल है। दीदी वहाँ पढ़ने के लिए बहुत पैसा लगता है और हमारे पास पैसा नहीं है। क्या आप हमें पढ़ाएंगी दीदी? जरूर, लेकिन अगर तुम्हारा दिल चाह तो अब हम भी पढ़ेंगे। हमारे पास भी किताब होगी। हमारे पास भी स्लेट और चाक होंगे। मीना गोपाल। अरे दीदी आप यहाँ? तुम घर के अंदर क्या कर रहे थे? हम गोटियाँ खेल रहे थे दीदी। आज से तुम्हारा खेलना बंद और पढ़ाई शुरू। ठीक है दीदी चलो। हाँ चलो दीदी। पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे क्यों दीदी? हम घर में नहीं पढ़ सकते। घर में पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो सकती, इतना काम रहता है। चलो चलो। अच्छा चलो। दीदी मैं फ्लैट लेके आता हूँ। हाँ जल्दी जाओ। अगर मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊं तो तुम मुझे अपनी खेती बाड़ी के बारे में बताओगे? ठीक है दीदी। तो पहले ये बताओ यहाँ कौन कौन सी फसल होती है? यहाँ गाजर, मूली, ककड़ी। दीदी दी मकई भी यहाँ। अच्छा तो सबसे पहले हम मकई लिखना सीखेंगे। ठीक है लिखो। नहीं देखो ये तो गलत। दीदी दीदी मैं लिखती हूँ। मुझे ये देखिए ये भी गलत है। फिर बता ये हुआ म व और ई, ऐसे लिखते हैं इसे। ठीक मैं लिखूं? हाँ लिखो बेटा। वेरी गुड। अब तुम लिखोगे? हाँ करे। अच्छा मुझे ये बता तुम मकई कब और कैसे उगाते हो? हम गर्मी के जेठ मौसम में उसे बोते हैं, सावन महीने में तैयार हो जाती है। हम झूले भी झूलते हैं और मकई भी खाते हैं। आप भी खाते होंगे ना दीदी? हाँ मिलते ना बाजार में भुने हुए कच्ची मकई। और दीदी जब ये मकई पक जाती है
तो उसके दाने निकाल कर उसे सुखा कर उसके आटे की रोटी बनाकर दूध के साथ खाने में बड़ा मजा आता है। अब बारिश हो रही है, हम घर चलते, कल फिर इसी वक्त इधर ही मिलेंगे। भूलोगे तो नहीं? नहीं नहीं, जरूर आएंगे। हाँ, तुम लोग ने मुझे अपनी खेती बाड़ी के बारे में बताया ना, मैं तुम्हें अपने शहर के बारे में बताऊंगी, सुनोगे ना? हाँ, हाँ। चलो। इस तरह की पॉसिबिलिटीज तो देश की छोटी छोटी जगह में होती हैं। ऐसे बहुत सारी जमीनें होती हैं जो लोग बेकार समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन हम उन जमीनों को मौसम और वातावरण के आधार पर ज्यादा पैदावार बना सकते हैं। हाँ दीदी, ऐसी कितनी जगह है जहाँ पर लोगों को जानकारी न होने के कारण गरीबी में पलना पड़ता है। ऐसा करके ना ही हम उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी कर पाते हैं, बल्कि उस जमीन पर भी न्याय कर पाते हैं जो लोगों ने बेकार समझकर छोड़ दी है। दोनों में लोगों की मदद ही तो करनी है। मेरी ये महाबलेश्वर ट्रिप तो सफल हो गई। और दीदी, मेरी मुंबई से आपके साथ यहाँ आने के बाद जिंदगी को जीने की एक नई दिशा मिल गई है। सचमुच किसी को खुशी देकर खुद को कितनी खुशी मिलती है उसका अंदाजा मुझे आज लगा। I'm proud of you, Didi. I'm proud that you're my sister. I love you. I'm proud of you too. I love you too. अच्छा तो अब पढ़ाई बंद। मैंने कल तुम लोग से वादा किया था ना कि मैं तुम्हें अपने शहर के बारे में बताऊंगी। हाँ दीदी। देखो मीना, गोपाल, वहाँ मैं स्कूल 4 साल की उम्र से जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ हर स्कूल नजदीक होता है और सभी लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बने। वहाँ तो हमारे खेलने की जगह और समय भी निश्चित होता है, हम कभी भी कहीं भी नहीं खेल सकते और हमें सड़क की बाईं ओर से चलना पड़ता है। सड़क के बाईं ओर से क्यों दीदी? क्योंकि वह सड़क का नियम है कि हमें सड़क की बाईं ओर से चलना है ताकि किसी के साथ दुर्घटना ना हो। और तुम्हें मालूम है मीना, हमें तो बचपन में ये तय कर लेना है कि हमें बड़े होकर क्या बनना है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर या फिर पायलट, मेरा मतलब है जहाज का ड्राइवर। मगर दीदी, गांव में रहकर ये सब तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें कुछ बनना है तो हमें सच्ची मेहनत और लगन की जरूरत है। ठीक है दीदी, मगर इसके लिए तो काफी पैसा लगता होगा। वो तो है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तुम लोग खेती बाड़ी में काम करते हो, उसमें ज्यादा मेहनत करकर तुम ये अनाज की पैदावार बढ़ा सकते हो, और अगर पैदावार अपनी जरूरत से ज्यादा हो जाए उसे बाजार में बेच सकते हो और तुम्हारी आमदनी शुरू हो जाएगी। उन पैसों को तुम अपनी पढ़ाई में लगा सकते हो। अच्छा दीदी, अभी तो फिलहाल इधर ही होता है। पहला बेंगलोर से लाने, तो अभी इधर ही होता है, तो वो झाड़ मंगाने का, फिर वो जमीन सीधा करके लेके झाड़ लगाने का, खाद बीज डाल के, फिर 2.5 महीने से स्ट्रॉबेरी आता है, फिर वो स्ट्रॉबेरी निकलने के बाद में स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम बनाने की डंडी है ना, वो निकाल के काट के उसको धो के अच्छी तरीके से, फिर उसका जूस बनाने की, और फिर वो आइसक्रीम में डाल के उसकी आइसक्रीम घुमा, हाथ का जो संचय था ना उसमें घुमा के बनाने की, तो बड़ी अच्छी उसकी आइसक्रीम होनी। हेलो। हेलो मैडम, मैं रिसेप्शन से बोल रहा हूँ। आपसे कोई तारा भाई मिलने आएंगे, क्या आपके रूम में भेज दूँ? हाँ हाँ, तारा भाई को मैंने ही बुलाया था, उन्हें ऊपर भेज दीजिए। जी अच्छा। तारा भाई याद है ना, वो आ रही है। यहाँ क्यों बैठे हो? ऊपर बैठो। मैम साहब, मैं यही ठीक हूँ, बराबर में कैसे बैठ सकती हूँ? अरे कैसी बातें कर रही हो, आओ बैठो, आओ बैठो। तारा भाई, ना गोपाल नहीं है, लोग स्कूल गए। देखो तारा भाई, मैंने तुम्हें सारी बातें समझाई है, याद है कि नहीं? अगर तुम इन पर अमल करोगी तो जिंदगी में खूब तरक्की करोगी।
मैं अभी बंबई जाकर तुम्हारे लिए आइसक्रीम बनाने की मशीन भिजवा दूंगी। तुम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना, उसे बाजार में बेचना, उससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चों को पढ़ाना, उनकी पढ़ाई बंद मत करना, क्योंकि जिंदगी में पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। इससे बच्चों की जिंदगी बन जाएगी और तुम भी खुश रहोगी। और अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगी तो मैं खूब सारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाऊंगी। खिलाओगी या नहीं? जरूर। स्ट्रॉबेरी एक जाना माना फल का पौधा है। गर्मियों के समय धावक लताएं मौलिक पौधे से निकलकर उसके सिरे पर अपनी जगह बनाते हैं और एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। पतझड़ के समय इन्हीं पौधों के सिरे में नए अंकुर फूटते हैं। ये अंकुर विकसित होकर कलियों का रूप धारण कर लेते हैं और अगले वसंत ऋतु तक फूलों और बेरियों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह के 8 पौधे 8-8 इंच की दूरी पर रखे जाते हैं। पौधा जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही बढ़िया उसकी उपज होती है। पौधों की लताओं का कलम करने से एवं उनका अच्छे और पर्याप्त खाद्य और पानी से पालन पोषण करने से उनके विकास में भरपूर सहायता मिलती है। स्ट्रॉबेरी के पौधे बहुत सख्त नहीं होते और तापमान के उतार चढ़ाव को सहन करने में असमर्थ होते हैं। ये बहुत कम तापमान में बुरी तरह क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। यही वजह है इन पौधों को तापमान के 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरने से पहले ही धान के पुआलों या भूसे से अच्छी तरह ढक देना चाहिए। स्ट्रॉबेरी के कई किस्म होते हैं। उनमें से कुछ के मुकुलदाने बहुत ही ऊंचे तापमान में आकार लेते हैं। सबसे उम्दा किस्म के पौधे, जिसको सैपलिंग्स भी कहते हैं, को ही उपजाना चाहिए। ये पौधे नर्सरीज में उपलब्ध हैं और ये मैं तुम्हें भेज दूंगी। सब क्या लेंगे? एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ला दीजिए। अच्छा सुनिए, कुछ साल पहले मैं आई थी तो ये जमीन पूरी बंजर थी और यहाँ मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। आप जानते हैं वो औरत कहाँ है? मैंने उन्हें स्ट्रॉबेरी के बारे में बहुत कुछ बताया था। उनके 2 बच्चे हैं और उनका नाम ताराबाई है। ताराबाई? हाँ। भाई आपके बारे में कोई पूछ रही है और उनको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी चाहिए। अच्छा अच्छा चलो, मैं उनके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आ रही हूँ। नीचे मेम साहब, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अरे आप? मेम साहब आप? अरे तारा भाई बैठो बैठो। लीजिए मेम साहब। मेम साहब, आपके सुझाव ने तो मेरी तकदीर बदल दी। जो बंजर जमीन 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाती थी, सोना उगल रही है मेम साहब। तो क्या ये दुकान और फैक्ट्री आपकी है? हाँ मेम साहब, बस आपकी दुआओं का असर है। नहीं नहीं, ये तो अपनी मेहनत और लगन का फल है। अच्छा बताओ यहाँ और क्या क्या मिलता है? स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम स्पेशल, जूस, मिल्कशेक, फल। आइसक्रीम बनाती हूँ, स्ट्रॉबेरी क्रीम बनाती हूँ, मिल्कशेक बनाती हूँ,
प्योर जूस बनाती हूँ, फिर चॉकलेट आइसक्रीम, रोज का आइसक्रीम जो गुलाब गार्डन है ना उसी का रोज का आइसक्रीम बनाती हूँ स्पेशल। मके पेटीज, पिज्जा, ये सब मिलता है मेन साहब यहाँ पर। अरे वाह, आप तो इंग्लिश भी बोल लेती हैं। मैं सिर्फ बोलती नहीं मेम साहब, ये सब मैं खुद बना भी लेती हूँ। आप जैसे ग्राहक जो शहर से आते हैं ना, उनसे सुन सुन कर सीख लिया है मैंने। अरे वाह, यहाँ बहुत भीड़ भी है, आपकी आइसक्रीम में कोई खास बात है क्या? है ना मेम साहब, एक तो मैं खुद बनाती हूँ इसलिए इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसलिए सब लोग यहाँ पर आते हैं। और दूसरा, ये जो हाईवे रोड पर पड़ता है ना, एक बार जो आदमी यहाँ पर खा कर जाता है वो दूसरे लोगों को बताता है, और वो सब भी यही बनाते हैं। लीजिए ना मेम साहब, खाइए खाइए, बहुत खुश लीजिए मेम साहब, बहुत अच्छा लगा। बहुत तरक्की करो। बस मेम साहब, बस आपकी दुआ है। बहुत अच्छा है। और बताइए मेम साहब, क्या लेंगे? और कुछ नहीं। और आज भी कुलसुम यूनुस मुलानी यानी कि ताराबाई अपने स्ट्रॉबेरी के बागीचे वाले होटल में आपका स्वागत करने के लिए मिलेंगी, मगर आपको जाना होगा महाबलेश्वर हाईवे पर। और स्ट्रॉबेरी क्रीम का मेरे नाम है बगीचे का, बगीचे में जाओ तो स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम स्पेशल मिलता है। तो अभी ये सब लोग आने को लगे, एक से दूसरे को मालूम होने को लगा, एक से दूसरे को बोलने को लगे, पब्लिक बढ़ गई। आस्ते आस्ते अभी बच्चे लोग ने अच्छी तरीके तो देखा आपने, ताराबाई ने कहां से कहां तक तरक्की कर ली। हमारे देश में हर कोई इंसान तरक्की करना चाहता है, लेकिन उसे जरूरत होती है एक सही दिशा की और आर्थिक मदद की। अगर आदमी प्रयत्नशील हो तो उसे कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होता। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे इस छोटे से सुझाव से इतना बड़ा चमत्कार होगा। अगर आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो जरूर किसी जरूरतमंद इंसान की मदद कीजिए, जैसे मैंने ताराबाई की मदद की, ताराबाई ने किसी और इंसान की, उस इंसान ने किसी और इंसान की। और अगर हमारी ये चेन चलती रहे तो हमारा देश जरूर तरक्की करेगा। अनसुनी ये